subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and get notified directly for latest upload. कल आज हम देखने वाले हैं कि हम ईमेल टेम्पलेट किस तरह बनाते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले लिखना है गूगल एक्सटेंशन। यहाँ पे आपने अपने जो भी ब्राउज़र है उसके अंदर लिखना है गूगल एक्सटेंशन। अगर गूगल क्रोम है तो गूगल एक्सटेंशन लिखना है, नहीं तो एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे गूगल एक्सटेंशन जैसे ही ओपन होगी तो आपको यहाँ पर आपने लिखना है जीमेल ईमेल टेम्पलेट्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे तो पहले नंबर पे आपको यहाँ पे जो मिल जाता है जो लिंक यहाँ पे जीमेल ईमेल टेम्पलेट, इसके अंदर हमें तीन ऑप्शंस मिलते हैं जीमेल टेम्पलेट फॉर जीमेल, ईमेल टेम्पलेट फॉर जीमेल, ईमेल और जो गूगल टेम्पलेट्स है। आपने इन दोनों को चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये फेवरेट है और सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है जिसका नाम है जीमेल ईमेल टेम्पलेट्स। और इसकी निशानी है इसके कोने के ऊपर क्लाउड एचक्यू लिखा होगा गाइस, ये याद रखना। आपके चाहे भी डिफरेंट हो, आपके ब्राउज़र डिफरेंट हो, जब एक्सटेंशन ऐड करेंगे तो ये क्लाउड वालों की है और यहाँ से आपने गूगल की ये एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। चाहे आपके गूगल है, फायरफॉक्स है, कोई भी है, ये एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी। तो ये ऊपर इसका आइकॉन है। सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ जीमेल के ऊपर। यहाँ से हम कोई मेल टाइप बनाते हैं, एक टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं। बहुत आसान है ये, कोई इसकी कोई टफ नहीं है कि कैसे बनाना है। आपने सिंपली अपने आप जिस जीमेल के ऊपर भी आप इसको करेंगे उसके ऊपर इसका अकाउंट बनेगा। कोई भी आपकी ईमेल हो, जैसे मैं अपनी ईमेल एक ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको जीमेल का व्यू अपने ओपन कर लेना है इसका। तो आपने ये एक्सटेंशन पहले तो ऐड करनी ज़रूरी है, ठीक है ना। अकाउंट बाद में बनेगा, एक्सटेंशन पहले ऐड हो जाती है, आपने ऊपर देख लिया, ठीक है। अब करना क्या है, जैसे आप कंपोज करते हैं, किसी को ईमेल भेजते हैं तो आप कंपोजिंग करते हैं, ठीक है, कंपोज करते हैं। यहाँ पे कंपोज आ गया है, यहाँ पे हम भेजने टू इसको भेजनी है सब्जेक्ट। और यहाँ पे जैसे आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है इंजेक्ट टेम्पलेट्स, इसके साथ इंजेक्ट टेम्पलेट के साथ नज़र आ रहा है ये वाला बटन। ये आपको पहले नहीं होगा, जैसे ये ऐड करेंगे एक्सटेंशन तो आ जाएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट पहले क्रिएट करना पड़ेगा, तो आपने सिंपली क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दें। और वो ईमेल वीडियो के अंदर भी आपको यही बताता है। और यहाँ से अपना जिसके ऊपर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, उस करके और अलाउ कर देना है आपने कि भाई उसको अपनी एक्सेस दे दिए कि अपने अकाउंट के अंदर जिसके ऊपर आपने इसके टेम्पलेट वगैरह यूज़ करने हैं। तो सिंपली जैसे ही हमारे यहाँ से अलाउ एक्सटेंशन, जैसे हमने उसे अपने परमिशन दे दी है गूगल अकाउंट के ज़रिए, अब उसके टेम्पलेट हमारे जीमेल के ऊपर होना, ईमेल पे आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से एक लोडिंग हो रही है, यहाँ पे हमारी अकाउंट ओपन हो गया है तकरीबन। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो मैं ईमेल चेक करवा दूँ, इसको मैं बंद कर दूँ, दोबारा ये ओपन कर लेंगे। ईमेल जैसे आप करेंगे तो आपको दो ईमेल वसूल होंगी, जो कि एक गूगल की तरफ से होगी, ठीक है, क्योंकि गूगल से लिंक है, दूसरा क्लाउड एच क्यू से आपको लिंक वसूल होगी। तो आपने चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, पहले तो अकाउंट हमने बना लिया, अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर उसके टेम्पलेट्स वगैरह व्यू आना शुरू हो जाएगा। ये देखें कितने कमाल कमाल के टेम्पलेट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, बर्थडे के, बिजनेस के, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारे। इसको नीचे जितना मर्ज़ी लोड करें, और यहाँ से मैं एक चूज़ कर लेता हूँ, ये मुझे अच्छा लगा। आप पहली बार करेंगे तो आप डाउनलोड हो जाएगा, दूसरी बार वो डाउनलोड नहीं आपके पास सेव हो जाएगा। जैसे आप, क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं तो एक कुछ सेकंड लगते हैं, ठीक है। आपने सेंड किस तरह करना है, सेम वही पैटर्न है, ठीक है, बस आपको डिज़ाइन मिल गया है। अपने आप को यहाँ से मैं सेलेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ, ये यही अकाउंट है, इसी अकाउंट के ऊपर ही आ जाएगी। और यहाँ से आपको सब्जेक्ट देना चाहें, मैं क्योंकि पूरा प्रॉपर पैटर्न के साथ चल रहा हूँ तो इसलिए ये ईमेल का बना रहा हूँ, तो इसलिए, नहीं तो मैं एडिट भी कर सकता था। इसलिए अब यहाँ पर आप देखते हैं, सबसे पहले तो ये कम्प्लीट आपको चेक करवा दूँ इसको डिफरेंट मोड में। यहाँ से चेक कीजिएगा एक चीज़ की, ये फुल फ्लैज आपको टेम्पलेट एक मिल गया है, ठीक है, कार्स का, ठीक है, फुल फ्लैज टेम्पलेट्स है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, देखिए ये पिक्चर लगी हुई है, इसको आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये एक पिक्चर आइकॉन लगा हुआ है किसी का, रिप्लेस पे करेंगे तो आप यहाँ से आपके ब्राउज़र से कोई भी आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपके फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं या देखिए जैसे पहले पड़ी हुई हैं मेरी, तो इसमें मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा आप इसके अंदर एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा ये एडिट हो जाता है, इसको मैं वाइट काट के यहाँ पे छोटा वाइट लिख देता हूँ। ये मतलब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पिक्चर्स लगी हुई है, ये भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर शॉपनों का एक लिंक लगा होगा, उनका पीछे से लिंक कैसे करते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए जैसे डिटेल चेक करेंगे तो ये नीचे लिंक आ रहा है किसी का,
अब लिंक चेंज कैसे करना है, लेट्स सपोज आपने अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है, इसी को टेम्पलेट को एडिट करें तो चेंज पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देना है भाई। ये जैसे इसके ऊपर क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सेम ऐसे कार के, अगर आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं कार की जगह अपनी किसी वीडियो के लिंक लगा दें, नीचे लिंक लगा दें और यहाँ पर सिंपली हर चीज़ को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सोशल लिंक्स वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। अगर जैसे ये लगा हुआ है इसकी जगह आप अपना लिंक जो भी है सोशल लिंक है वो ऐड कर दें, जैसे वो क्लिक करे कोई बंदा वो आपके सोशल लिंक पे चला जाए। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर आ रही है। ठीक है, आपको सिर्फ जस्ट एडिटिंग करनी है इसके अंदर। लेट्स सपोज हम कुछ भी छोटा मोटा एडिट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक पैटर्न फुल फ्लैज नहीं, बस एक मामूली सा हमें लगे कि यार ये हमने लगाया। जैसे मैं अपना चैनल का नेम लिख यहाँ पर लिख लेता हूँ, टिप्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम काट के लिख लेते हैं, सब्सक्राइब लिख देते हैं, कर भी देना आप याद, सब करना तो बनता है यार। आप लोगों के इतनी मज़े का टॉपिक लेके आया हूँ, हर कोई चाहता है कि ईमेल इस तरह की उसकी बिज़नेस क्लास ईमेल हो। इसको चाहें तो रख लें, मतलब अपने हिसाब से आपने एडिट करना है। आपको दिखा दिया कि आप किसी भी तरह इसको एडिट कर सकते हैं, एडिट करना बिल्कुल कट एंड पेस्ट और एडिट करने का वो ही कॉपी पेस्ट है। ठीक है, यहाँ से हम पिक्चर भी रिप्लेस करनी हो तो सिंपल रिप्लेस पर क्लिक करना है। यहाँ से हम ये वाली पिक्चर उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली पिक्चर कुछ सेकंड लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये इस पिक्चर की जगह, जैसे ये लगी हुई है पिक्चर कार की, इसकी जगह ये मेरी पिक्चर आ चुकी है। ठीक है, और इसके अलावा आप नीचे लिंक्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, सब कुछ अगर जो आप करना चाहें सब कुछ यहाँ से एडिट करते हैं और यहाँ से सिंपल सेंड कर सकते हैं आपका टेम्पलेट। यहाँ से हम सेंड करके टेस्ट देख लेते हैं, हमें एक ईमेल वसूल होता है तो किस शक्ल का वसूल होगा। लेट्स, आपने मोस्टली देखा होगा कि आपको बिज़नेस क्लास ईमेल आती हैं तो बड़ी वो हाई क्लास डिज़ाइन होते हैं, तो वो इन्हीं से आते हैं। ठीक है, पेड भी मिल जाते हैं अगर पेड करना चाहिए, ये बिल्कुल फ्री है, तो पेड में आपको बता दूंगा ये तो बिल्कुल फ्री, आप इन्जॉय करें। जैसे ये मुझे आ चुकी है, मी टेस्ट के नाम से हमने बनाई थी, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। देखें, अभी हमने सिंपली छोटा मोटी की थी एडिटिंग, बहुत कुछ कर सकते थे एडिटिंग के अंदर। ये यहाँ से पिक्चर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट की करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पिक्चर्स ऐसे लगाएंगे ताकि लोग सेव कर सकें। ठीक है, जैसे पिक्चर इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है, तो यहाँ से देखिए डिटेल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, देखिए क्लिक बटन आ रहा है और ये सारी डिटेल्स वगैरह भी आ रही हैं, तो एक अच्छा बिज़नेस क्लास टैबलेट लगता भी है। तो गाइज, आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, तो आप भी इस तरह के हर चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं खुद से अपना ईमेल का टेम्पलेट्स। ये टेम्पलेट आपके अंदर एडिट सेव हो जाते हैं, ठीक है, आपको बार बार डाउनलोड नहीं करना पड़ता। तो गाइज, अगर आपके लिए ये नई चीज़ थी तो आपने सब्सक्राइब और लाइक मेरे चैनल को ज़रूर करके जाना है। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।